आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड राजभवन में आज से दो दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आगाज हो गया है। पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, साथ ही कहा कि उत्तराखंड में 500 करोड़ रुपए के पुष्प कारोबार की संभावना है और राज्य में पुष्प कारोबार यहां आजीविका का सबसे बड़ा हिस्सा बन सकता है। इसी को बढ़ाने के उद्देश्य से पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है। उत्तराखंड को एक पुष्प प्रदेश बनाना है, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में एक क्रांति लानी है और जो देवभूमि में देवताओं ने हमको आशीर्वाद दिया है पुष्पों के रूप में, उसको इज्जत करते हुए एक खुशहाली एक इकोनॉमी बिजनेस व्यवसाय पैशन इन सब में उनके आशीर्वाद को कन्वर्ट करना है। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे से प्रदर्शनी आमजन के लिए खोल दी गई है। आमजन के लिए प्रदर्शनी शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। पुष्प प्रदर्शनी के दूसरे दिन 9 मार्च को शाम 4 बजे पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह किया जाएगा। पुष्प प्रदर्शनी में सभी को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा। वसंतोत्सव के अवसर पर राजधानी देहरादून स्थित राजभवन में दो दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस वक्त हम राजभवन में मौजूद हैं। ये जो शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन की है, जहाँ पर कि पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है। दो दिनों तक ये पुष्प प्रदर्शनी चलेगी और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो फूलों को बेहद पसंद करते हैं। अलग अलग प्रजाति के जो फूल हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। एक ही छत के नीचे तमाम जो फूल हैं उनको रखा गया है और बड़ी संख्या में लोग हैं इस प्रदर्शनी का दीदार कर रहे हैं। 8 और 9 मार्च को राजभवन में ये दो दिवसीय प्रदर्शनी चलेगी। दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक ये प्रदर्शनी रहेगी और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दूर दराज से आ रहे हैं और इस प्रदर्शनी का लुत्फ ले रहे हैं। मैडम, आप कहाँ से आ रखे हैं? हम वहाँ से, यमुना कॉलोनी से। ये प्रदर्शनी आपने देखी, काफ़ी सारे फूल लग रहे हैं, अच्छे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए लोग किस तरीके से इस प्रदर्शनी का आनंद ले रहे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए? हम यमुना कॉलोनी से जी, देहरादून से, यहीं के लोकल से। हाँ, अच्छा। तो आपने देखा कि कितनी बढ़िया प्रदर्शनी लगा रखी है। बहुत ही सुंदर, बहुत मतलब दिल खुश हो रहा है देख के, मन खुश हो रहा है। मतलब पहाड़ के हमारे, हाँ, पूरे पहाड़ के फूलों की घाटी मतलब बन रखी पूरी, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत सुंदर आनंद पूरा ले रहे हैं जी। हाँ, चलिए, तो फूलों की घाटी का आनंद ले रहे हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं राजभवन की है, दूर दूर से लोग आ रखे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे शानदार पलों को तस्वीरों में कैद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रदर्शनी लगाई गई है इस प्रदर्शनी का पूरी तरीके से आनंद ले सकें। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं राजभवन की है और एक जो पूरा व्यू अगर आप इसमें देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इस प्रदर्शनी को का आनंद ले रहे हैं। इस शानदार फूलों की प्रदर्शनी के साथ आपने जो फोटो है, सेल्फी है, वो भी खिंचा रहे हैं। मैडम, आप कहाँ से आ रखे हैं? क्लेमेंट हाउस। बोलो बोलो। प्रदर्शनी आपने लगा रखी है, यहाँ देखा आपने राजभवन, पहली बार है जी? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसा आप क्या कहेंगे इस प्रदर्शनी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ऑर्किड्स, ये मेरे यहाँ भी बहुत गार्डन खिला हुआ है, ऐसी मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, दिल खुश हो गया, मैं जानबूझ के आज और आया, मैंने कहा आज सब देखते हैं टोटल जो है ना, बहुत फ्लावर। मैं तो हर साल तो बहुत मतलब फ्लावरिंग का मुझे भी बहुत शौक है। अच्छा। मैं भी घर में बहुत बगीचा वगीचा ये सारे फूल्स लगभग मेरे पास हैं, कुछ ऑर्किड्स, कुछ ट्यूलिप्स, कुछ ये सब जरा बरा वगैरह सारे लगा रखे मैंने भी, लेकिन यहाँ पर देख के बड़े खुश हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कुल मिलाकर के एक सराहनीय पहल है और कोशिश की जानी चाहिए कि इस तरीके की पहल हर साल की जानी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसी इस प्रदर्शनियों से ना सिर्फ प्रकृति प्रेमी जो लोग हैं उन वो काफ़ी आनंदित होते हैं, साथ ही साथ जो पहाड़ी उत्पाद भी हैं उसको भी बढ़ावा मिलता है और कोशिश की जानी चाहिए कि इस तरीके के कार्यक्रम हर साल आयोजित किए जाने चाहिए। अगर आपको हमारे काम पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अपने सहयोगी नवीन भंडारी के साथ मैं अंकित कालच, जय भारत टीवी, देहरादून।